आई थिंक स्पोर्ट्स विल हैव टू मूव ऑन. आप ये नहीं कह सकते कि एक धक्का लगा उसको सारी उम्र. नहीं, आई थिंक ये फैंस के ऊपर होता है. स्पोर्ट्स मैन हैव टू मूव ऑन. यू हैव टू प्लान फॉर द नेक्स्ट डे. जो निकल गया उसको अनडू तो कर नहीं सकते. वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव को नहीं बुलाने पर भड़की राजनीति. कपिल देव ने कहा, कभी कभी लोग भूल जाते हैं. तो वहीं यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी नेताओं ने कह दी ये बड़ी बात. नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप. 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया. फाइनल मैच के दौरान अब तक के सभी विश्व कप विजेता कप्तान शामिल हुए, लेकिन इसमें कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी शामिल नहीं थे. एक ओर जहां भारत को 2011 वर्ल्ड कप दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ उत्तराखंड में छुट्टियां मनाने के कारण इस वर्ल्ड कप को देखने नहीं आए, तो वहीं कपिल देव ने कहा कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया. दरअसल कपिल देव ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि यह एक बड़ा इवेंट था और लोग जिम्मेदारियां निभाने में व्यस्त थे, इसलिए वो मुझे बुलाना भूल गए. इन शब्दों में कपिल देव का दर्द साफ साफ झलक रहा था. उन्होंने कहा, मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी की पूरी 83 की टीम को इस वर्ल्ड कप में बुलाया जाए तो काफी बेहतर होता. वहीं इस पर विपक्ष अब जमकर राजनीति कर रही है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि कपिल देव ने महिला पहलवानों का समर्थन किया और इस कारण कपिल देव को निमंत्रण नहीं दिया गया. वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव को न बुलाने की निंदा की है. अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी के राज में खिलाड़ियों के साथ अपमानजनक व्यवहार का उदाहरण न केवल महिला कबड्डी खिलाड़ी हैं, बल्कि अब क्रिकेटर भी हो रहे हैं. क्रिकेट में भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले और देश के आदर्श कपिल देव को विश्व कप के फाइनल में आमंत्रित नहीं करने से उनका जो निरादर हुआ है, उससे देश की खेल प्रेमी जगत बेहद दुखी है. बीजेपी ने खेलों का अवांछित राजनीतिकरण करके अच्छा नहीं किया. वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने ये कहा कि आज हर जगह राजनीति हो रही है और ऐसे में क्रिकेट इससे अछूता कैसे रह सकता है. क्रिकेट में भी राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से कपिल जी को नहीं बुलाया गया. वहीं शिवसेना यानी यूबीटी नेता संजय राउत ने ये कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड असल में क्रिकेट से प्यार करता है तो उन्हें विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव को आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो कि गलत है. क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जहां कई हाई प्रोफाइल लोग नजर आए, जिनमें बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह जैसे स्टार्स का नाम शामिल है. साथ ही पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष होने के नाते कप्तान सौरभ गांगुली को भी इनवाइट किया गया था. खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे थे, लेकिन बीसीसीआई ने कपिल देव को नहीं बुलाया और कपिल देव ने खुद इस बात का खुलासा किया. और इस बात के खुलासे के बाद एक ओर जहां विपक्ष के नेता इसे राजनीति बता रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी बीसीसीआई अधिकारियों की जमकर आलोचना कर रहे हैं. कपिल देव को वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं बुलाने पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं.